Hello students, I hope so you have read the chapter and there will be no problem in the chapter. And I discussed the story with you about a boy or teens who taught to speak only truth by his mother, by his father. And when he was of 12 years, at that time his parents wanted to send him in a famous school in distant city. And he traveled with few of the merchants to the city. And when he was on the way, they met with a band of robbers. And at that time, Ortens told that he had 40 pieces of gold. Till here we have discussed. Now I am continuing the story. The robber laughed. रोबर हंसने लग जाते हैं. He had never heard a boy with so much money as that. उन्होंने कभी नहीं सोचा था, ना ही सुना था कि एक बच्चे के पास इतने पैसे हो सकते हैं. That is a good story, he said. उन्होंने से कहता है कि बहुत अच्छी स्टोरी बोली तुमने तो. Where do you carry your gold? तुमने अपने गोल्ड कहाँ रखे हैं? It is in my hand. Again, वहां पे ओटेंस बता देता है, सच्चाई बता देता है कि वो मेरी हैट में, उसने एक हैट पहनी हुई थी जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हो. अंडरनीथ द लाइनिंग, लाइनिंग क्या होता है, कपड़े के नीचे एक और कपड़ा लगा देते हैं, कई बार सूट्स वगैरह में आपने देखा होगा. तो कैप के अंदर एक और कपड़ा लगा था, उस कपड़े के अंदर, उस लाइनिंग के अंदर उसने वो पैसे, वो कॉइन रखे हुए थे. आंसर्ड ओटेंस, ओटेंस ही यहाँ पे भी वो सच बता दिया. ओ वेल, यू कांट मेक मी बिलीव दैट, सेड द रोबर. रोबर ने कहा कि तुम ये सब बोलकर कि मेरे को विश्वास नहीं दिला पा रहे हो. एंड ही हरीड अवे टू रॉब वन ऑफ हिज रिच मर्चेंट, और वो वहां से चला जाता है ताकि दूसरे रिच मर्चेंट को, दूसरे व्यापारी को वो लूट सके. सुन अनदर केम अप एंड सेड, इतने में दूसरा रोबर आ जाता है और बोलता है, माई बॉय डू यू हैपन टू हैव एनी गोल्ड अबाउट यू, क्या तुम्हारे पास कोई गोल्ड कॉइन है क्या, कुछ गोल्ड है क्या? Yes, 40 pieces in my hand, said Otis. Otis उसको भी यही सच बताते हैं कि हाँ मेरे पास 40 pieces हैं और मेरी hat में है. You are a brave lad to be joking with robbers. तो कहते तुम बहुत बहादुर लड़के हो क्योंकि तुम एक रोबर के साथ भी मजाक कर रहे हो, क्योंकि रोबर से तो सबको डर लगता है, लुटेरे से सबको डर लगता है, लेकिन यहाँ पे तुम एक लुटेरे के साथ, एक रोबर के साथ में मजाक कर रहे हो, तुम तो बहुत बहादुर लड़के हो, said the man, उस रोबर ने बोला. And he also hurried on to a more promising field. और वो वहां पे चला जाता है जहां पे उसको सक्सेस मिल सकती थी. प्रोमिसिंग फील्ड मीन्स जहां पे उसको कामयाबी मिल सकती थी. कामयाबी उस लड़के के पास तो मिल ही नहीं थी, वो सोच रहा था इसके पास तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो भी दूसरे व्यापारी के पास चला जाता है ताकि वहां से उसको कुछ मिल सके. At length the chief of the band called टू ओटेंस एंड सेड, आखिर में जो उनका सरदार था, जो वो रोबर्स का सरदार था, वो ओटेंस को बुलाता, कहता है, यंग फेलो हैव यू एनीथिंग वर्थ टेकिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ कीमती है? ओटेन आंसर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू ऑफ योर मैन, मैंने ऑलरेडी आपके दो आदमियों को बता भी दिया है, दैट आई हैव 40 पीसेस ऑफ गोल्ड इन माई हैड, कि मेरे पास, मेरी हैड में कितने हैं 40 पीसेस गोल्ड के. ये सच्चाई वो दो रोबर्स को बता चुका था और अब उनके सरदार को भी बता रहा था कि मेरे पास गोल्ड है. बट दे वॉन्ट वुड नॉट बिलीव मी, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया. सबको ये लग रहा था कि छोटा बच्चे के पास इतने पैसे क्यों होंगे, पर होंगे तो वो हमें सच्चाई क्यों बताएगा, सब यही सोच रहे थे. इसलिए कोई उसकी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा था. बेशक से वो सच बोल रहा था, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था. टेक ऑफ योर हैट, सेड द चीफ, सरदार ने कहा कि ठीक है अपनी हैट निकालो. द बॉय ओबेड, अब लड़का ने जैसा उस चीफ ने कहा था उसकी बात मानता और निकाल देता. द चीफ टोर आउट द लाइनिंग, आखिर में चीफ जो था उसकी लाइनिंग को टोर आउट होता, फाड़ना, फाड़ देता है. एंड फाउंड द गोल्ड हिडन बीनीथ इट, और सच में उसको उसके अंदर नीचे, बीनीथ होता है नीचे, उसको गोल्ड मिलते. व्हाई डिड यू टेल अस वेयर टू फाइंड इट, तुमने हमें सच्चाई की बताई कि ये पैसे हमें कहाँ मिलेंगे, ही आज, क्योंकि उसको हैरानी हो रही थी उसने सच क्यों बोला. नो वन वुड हैव थॉट दैट ए चाइल्ड लाइक यू हैड गोल्ड अबाउट इट, कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक बच्चे के पास इतने पैसे हो सकते थे. अगर तुम ये कहते थे कि तो
तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम सब विश्वास भी कर लेते, फिर भी तुमने सच्चाई क्यों बताई? If I had answered your question differently, Hawkins कहता अगर मैं आपका आंसर दूसरी तरह से देता, I should have told a lie, तो मैं झूठ बोलता। अगर मैं कह देता कोई और आंसर देता आपको तो मैं एक झूठ बोलता, said Hawkins, and none but coward tells lie, और ये तो पता ही है मुझे कि जो झूठ होते हैं वो कायर बोलते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो हमेशा सच्चाई ही बोलते हैं। The robber chief was struck by this answer. जो रोबर का जो सरदार था वो सोचने पे मजबूर हो गया उसके आंसर सुन करके। He thought of the number of times that he himself had been a coward. उसने सोचा कि वो पता नहीं कितनी बार कायर बना था। कैसे? क्योंकि उसने ना जाने कितनी बार झूठ बोला था। और उसने कहा ना झूठ तो कायर बोलते हैं, जिसको तो बहुत बार कायर भी बना है झूठ बोलते। Then he said, "You are a brave boy." फिर वो सरदार कहता है तुम एक बहादुर लड़के हो। And you may keep your gold. तुम अपने गोल्ड अपने पास रख सकते हो। Here it is. ये लो अपना। Mount your horse. अपने हॉर्स पे बैठो। And my own man will ride with you. मेरे खुद के आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। And see that you reach the end of your journey in safety. और ये देखेंगे कि तुम्हारी जो जर्नी है, जो तुम्हारा जहाँ पे तुम्हें जाना है वहाँ पे तुम सेफली पहुंच जाओ। इतना खुश हो जाता है रोबर उसकी सच्चाई सुनकर। Hawkins in time became one of the famous men of his country. आखिर में बाद में जाकर के Hawkins बहुत ही फेमस बना अपनी कंट्री में। He was the advisor. एडवाइजर कौन होता है? जो एडवाइस देता है। तो एक राजा को एडवाइजर देने वाला बना। And friend of two of the kings who succeeded Cyrus. Cyrus के बाद दो और राजाओं का वो friend भी बना। देखो जो सच्चे होते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। जो झूठे होते हैं वो सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि मेरी सच्चाई का किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सच्चाई आज नहीं तो कल सामने जरूर आती है, और जब आती है तो दूसरों को बहुत बुरा लगता है, खासकर आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, कि इस बच्चे ने झूठ क्यों बोला। तो जब भी आप कोई गलत काम करो या हो जाए आपसे तो हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है उस टाइम पे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको डांटते मारते, लेकिन फिर भी एक सबक आप उससे सीखते। अगर आपने आज कोई गलती की और आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा है तो नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को नहीं करोगे। तो ये सच्चाई आपको हमेशा रखनी चाहिए, और सच्चे लोग ही आगे चल करके महान लोग बनते हैं। अपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, हमेशा सच बोलते थे। ऐसी बहुत सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो सच का साथ देते हैं, वो फेमस बने। ठीक है, आप लोग भी सच्चाई बोलना। नाउ एंडिंग द वीडियो, एंड यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग आल्सो इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन यू डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड इन दिस वीडियो आल्सो। You have written previous difficult word also from the previous video. These are new difficult words. These difficult words also you have to write in your